टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट Hyundai Grand i10 Nios. Hyundai Grand i10 Nios का Astra वेरिएंट है ये. आपको ये स्मार्ट ऑटो के फीचर के साथ में मिलता है. ये एक AMT वेरिएंट है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्लच देखने को नहीं मिलता, सिर्फ रेस पेडल रहता है एंड यहाँ पर ब्रेक पेडल रहता है. तो ये AB पेडल्स ही रहते हैं एक्सेलरेशन के लिए एंड यहाँ पर ब्रेक के लिए. ये गाड़ी के अंदर में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, मीन्स आपको कंपनी सब कुछ देती है. डिस्प्ले भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है. यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट बटन्स मिल जाते हैं, हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच रहता है, AC वेंट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. काफ़ी अच्छे लगते हैं ये देखने में. एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा यूज मिलता है. 4 स्पीकर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर में, जो कि आपको काफ़ी अच्छा ब्रिलियंट साउंड देते हैं. एंड वॉइस की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, मीन्स मुझे साउंड की क्वालिटी पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है. AC की कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है. तो गाड़ी के अंदर में आपको सारी एसेसरीज मिलती हैं, बट इस गाड़ी के अंदर में बेसिक रिक्वायरमेंट है सीट कवर्स की. एंड इसी के साथ में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, नॉर्मली ये कारपेट है, तो ये कारपेट ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत ही जल्दी डस्ट पकड़ लेता है. तो 70 मैटिंग्स इस गाड़ी के अंदर में अपग्रेड हो रही हैं. तो ये दो चीज़ें हैं जो कि अगर आप अपनी टॉप वेरिएंट गाड़ी भी लेते हैं तो कंपनी आपको वो मैटिंग अच्छी नहीं देती और सीट कवर भी फैब्रिक अपॉस्ट्री में देती है. तो आप जितनी भी महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, कंपनी आपको सिर्फ दो चीज़ में ही कॉम्प्रोमाइज़ करके देती है. बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सीट कवर होती हैं, क्योंकि इसके अंदर में आपको नॉर्मली जो फैब्रिक अपॉस्ट्री है वो मिलती है. एंड कारपेट में आपको बहुत ही लो ग्रेड क्वालिटी का मैट मिलता है. तो वही चीज़ होती है, मैं आपको एक बार मैट भी चेक करा देता हूँ. ये आप मैट देख सकते हैं इसका, तो ये इस टाइप की कुछ मैटिंग है. तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लोअर क्वालिटी की रहती है, ये आप देख सकते हैं, और इतनी अच्छी आपको कवरिंग नहीं देती है. एंड पानी वगैरह कहीं ना कहीं से चला जाता है एंड डस्ट वगैरह भी लग जाती है नॉर्मली जो कारपेट होता है. तो इस गाड़ी के अंदर में हम 70 मैटिंग्स अपग्रेड कर रहे हैं, 90% एरिया गाड़ी का कवर हो जाता है. एंड सीट कवर्स मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लैक विथ रेड स्टिचिंग में हो रहा है, तो उसकी हम बात करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, जो नॉर्मली आपको Nios के अंदर में मिलता है. फैब्रिक अपॉस्ट्री मिलता है आपको सीट्स के अंदर में, एंड साइड में आपको लेदर फिनिश मिलती है, मीन्स ये सेमी लेदराइड होती है. आपको जो फ्रंट पार्ट होता है इसमें आपको फैब्रिक अपॉस्ट्री मिलती है एंड साइड में लेदर अपॉस्ट्री मिलती है. बैक साइड भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेदर अपॉस्ट्री मिलती है. एंड फ्रंट लुक गाड़ी का कुछ जो नॉर्मली आप गाड़ी जब परचेज करते हैं तो Nios के अंदर में इस टाइप की सीट अपॉस्ट्री मिलती है. हमने इसके अंदर में ब्लैक विथ रेड लाइन सीट कवर्स इंस्टॉल किए हैं. तो सीट कवर्स आप देख सकते हैं फुल बकेट करें, बकेट की आप फिटमेंट देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा कम्फर्ट इसमें एड ऑन हो चुका है. यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कम्फर्ट देखने को मिलेगा दोनों सीट कवर्स को अगर आप देखें, मीन्स ये तो नॉर्मली सीट्स ही हैं, सीट ही है, बट ये सीट कवर आप देख सकते हैं इसके अंदर में और एक्स्ट्रा फॉर्मिंग हो चुकी है. तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बकेट आई है. इस पार्ट को और इस पार्ट को आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अंदर दबा हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर में है, तो अच्छी बकेट आपको मिलती है. नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये भी आप चेक कर सकते हैं दोनों सीट्स की जो सपोर्टिंग है. दोनों सीट्स की अगर आप यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस सीट के अंदर में और ज़्यादा सपोर्ट आ चुकी है, क्योंकि सीट कवर्स के अंदर में काफ़ी अच्छा कंफर्ट एड ऑन हो चुका है. दूर से अगर मैं दिखाऊं तो ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा भी लगता है एंड Nios के अंदर में काफ़ी अच्छी लुकिंग्स भी देगा. तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने पूरा सीट कवर इसमें इंस्टॉल कर दिया है. एंड ये आप नॉर्मली देखिए एंड दोनों में आप जस्टिफिकेशन देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज हो चुका है. ब्लैक लगता भी काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ में ब्लैक में क्या है ना, नॉर्मली आप इसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, वहीं पर इसके अंदर में फैब्रिक अपॉस्ट्री है, कुछ भी दाग वगैरह लग जाता है, चटनी वगैरह भी गिर जाती है ना तो वो निकलती नहीं है. तो इनको सेफ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. यहाँ पर आप नॉर्मली सीट देख सकते हैं, ये बैक साइड की सीट्स हैं, आपको इस टाइप की डिज़ाइन देखने को मिलती है सीट्स में. इस गाड़ी के अंदर में बकेट हो रही है, मीन्स बकेट सीट कवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टिचिंग होती है इसको हमको निकालना होता है. ये आप देखिए इस पोर्शन की हमने यहाँ पर स्टिचिंग्स निकाली है. जो ये सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है, इसको आप H सेक्शन से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ये H डिज़ाइन होती है इसमें, ये H पैटर्न को हमको इसमें जो स्टिचिंग्स होती है ना, कंपनी स्टिचिंग देती है, तो इसको हमको कट करना होता है. एंड इसके अंदर में होती है रॉड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में. एंड ये लॉक फिटमेंट्स हैं, तो ये आप लॉक देखिए, ऐसे ही सेम लॉक्स हमारे पास भी होते हैं. यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये लॉक्स रखे हुए हैं, तो ये सेम एज इट इज़ लॉक्स आपको कंपनी भी देती है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लॉक्स दिए हुए हैं, ये आप चेक करिए. तो कंपनी भी अपने सीट्स के अंदर में यही लॉक्स यूज़ करती है जो मैंने आपको दिखाए हैं. एंड क्या होता है ना, इसके अंदर भी रॉड आती है, ये सीट कवर हैं ब्लैक कलर के, तो इसकी रॉड को एंड ये जो रॉड हैं इनको लॉक्स की मदद से हम फिट करते हैं, जिससे डीप फिटिंग या आपकी बकेट फिटिंग आती है. तो क्या होता है एक और बार मैं आपको बता देता हूँ. नॉर्मली ये जो रॉड होती है सीट की एंड जो सीट कवर्स के अंदर में रॉड आती है, इस टाइप की रॉड रहती है ये,
या आप चेक करिए, इन दोनों रॉड्स को लॉक्स की मदद से जोड़ा जाता है जिससे डी फिटिंग आती है गाड़ी की सीट्स में। सो यहाँ पर ग्रैंड आई टेन कम्प्लीट हो चुकी है एंड अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर पोर्शन में चलते हैं। तो ये गाड़ी का डोर है, डोर आप देख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर में आपको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक। यहाँ पर आप 1 लीटर की वाटर बॉटल आराम से रख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर रखी भी है। स्पीकर जैसे कि मैंने आपको बताया 4 स्पीकर इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, काफ़ी अच्छा सफिशेंट साउंड देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 mats, कारपेट फुल्ली प्रोटेक्टेड हो चुकी है। आपको यहाँ पर ग्रिपिंग मिल जाती है, नीचे में आपको पेंटागन टाइप की डिज़ाइन मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है एंड 90% एरिया कार का ये कवर कर लेती है इजीली। सीट कवर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, फुल ब्लैक विथ रेड स्टिचिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में एंड काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। सीट कवर्स में आप चेक कर सकते हैं, सीट कवर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। अपहोस्ट्री आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नापा लेदर है, काफ़ी अच्छा लेदर होता है। इसी के साथ में को पैसेंजर साइड में भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंफर्ट और ज़्यादा एड ऑन हुआ है इस गाड़ी के अंदर में, क्योंकि सीट्स के अंदर में सीट कवर्स जो होते हैं ना उनमें ही फोमिंग आती है, तो फोमिंग से और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा बकेट इसमें आ गई है। गाड़ी के अंदर में आर्मरेस्ट भी अपग्रेड हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन आर्मरेस्ट होता है। यहाँ पर आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है, इसमें आप नॉर्मली अपनी की वगैरह रख सकते हैं। गाड़ी जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है, तो की वगैरह को आप यहाँ पर रख सकते हैं एंड सेफली आपकी घर वगैरह की चाबी भी रख सकते हैं। पीछे में आपको मोबाइल होल्डर के लिए यहाँ पर स्पेस मिलता है, बैक से मैं आपको चेक कराऊंगा। को पैसेंजर साइड में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिलता है एंड इंटीरियर जैसे कि मैंने आपको चेक करा ही दिया था। अब बैक साइड में हम चलते हैं, तो बैक साइड की आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीट्स हैं काफ़ी अच्छी लग रही हैं सीट्स। नीचे में भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बकेट इसमें आई है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बैक साइड की मैटिंग है, ये आप चेक कर सकते हैं। हम्प स्पेस छोटा सा रहता है, बिल्कुल माइनर सा इतना हम्प स्पेस है, तो उसके लिए भी आपको पूरी परफेक्शन मिलती है। ये आपको बैक साइड में मैगजीन होल्डर मिल जाता है। नॉर्मली जो सीट मैंने आपको दिखाई थी ना, वो जो क्रीम कलर आता है जैसे डैशबोर्ड पे, तो उसमें आपको बैक साइड में मैगजीन होल्डर कंपनी नहीं देती है, बट इसके अंदर में मैगजीन होल्डर भी एड ऑन कर दिया है। और बैक साइड में ये मैं आपको दिखा रहा था, ये आप चेक करिए एंड देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुकिंग आ रही है गाड़ी के अंदर में, तो ये आपको चेक करने को मिलेगा। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो एंड इसी के साथ हमें ज़रूर से फॉलो करें इंस्टाग्राम पे टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, यूज़र नेम आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ जाएगा एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।